हाय एवरीवन स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपने एग्जाम का प्रिपरेशन भी बहुत ही जोरों से कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम में थोड़ी सी मदद हमारे तरफ से भी आपको दिया जा रहा है जो कि कोई नहीं करता है आप जहां पर पेड पैसा देकर या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप पढ़ रहे थे वो लोग भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड नहीं कराए होंगे वो भी खास करके सोलर पावर एंड टेक्नोलॉजी का सोलर पावर एंड टेक्नोलॉजी और हमारा जो इंडस्ट इंडस्ट्रियल ड्राइव है इन दोनों का ऑब्जेक्टिव बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है और एग्जामिनर जो है आपका क्वेश्चन कहाँ से उठाता है उसी आधार पर हमने भी उन्हीं जगहों से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और टॉप हंड्रेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे हंड्रेड क्वेश्चन में मिनिमम आपके एग्जाम में पंद्रह से एवं क्वेश्चन आपको डिप्टो मिल जाएंगे उम्मीद है कि मिल जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से अभी तक क्वेश्चन पूछने का उन लोग का पैटर्न है उसके आधार पर ही हम ये क्वेश्चन को लाए हैं जितना भी क्वेश्चन है किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है तो वहां पर जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके एसपी टी में जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो भी वहीं से क्वेश्चन को उठाते हैं तो इसीलिए हम लोग हम लोग भी वहीं से क्वेश्चन को लिए हैं तो टॉप हंड्रेड क्वेश्चन है थोड़ा सा समय आपको ज्यादा लग सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन धैर्य से अगर एक बार दो बार जो इस लेक्चर को अच्छे से देख लेंगे एक से दो बार उनको ऑब्जेक्टिव में कोई टेंशन नहीं होगा और सब्जेक्ट के प्रति एक अच्छा ओवरव्यू भी वो बिल्डअप कर पाएंगे तो संकल्प आपका है कि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं या नहीं संकल्प अगर ले लिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारा सहयोग हमारे साथ आपके साथ हमेशा बना रहेगा मतलब जितना कोशिश हो सकता है जितना हमसे संभव हो सकता है उतना हम कोशिश आपके लिए किए हैं कि जो भी बेस्ट ऑब्जेक्टिव हो उसी को दिया जाए और ना आप पर ज़्यादा लोड दिया जाए ओवरऑल मानिए 10-15 ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो कि आपको थोड़ा टफ लगे जो लगे कि नहीं सर ये आउट ऑफ सिलेबस जा सकता है तो उसको भी हम इंक्लूड किए हैं क्योंकि कभी कभी क्या आता है कि क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन इधर उधर से भी पूछ लिया जाता है तो उसके लिए हम उसको भी यहाँ पर ले लिए हैं तो इसी आशा और उम्मीद के साथ इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सोलर सेल सोलर सेल कुल मिलाकर कितने टाइप का होता है तो सोलर सेल हमारा थ्री टाइप का होता है कितने टाइप का होता है तीन टाइप का अगर इसका बात किया जाए कि कौन कौन होता है थोड़ा सा डिटेल में भी बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन पर डिटेल में बात करना बहुत जरूरी है तो ये हमारा होता है मोनोसिलिकॉन मोनोसिलिकॉन क्रिस्टलाइन क्या होता है ये आप लोग पढ़े होंगे और आपके जो सर हैं जो हमारे कोचिंग में भी पढ़ाए थे वो भी आपको पढ़ाए होंगे तो मोनोसिलिकॉन क्रिस्टलाइन पहला है दूसरा हमारा जो है वो हमारा होता है पोली क्रिस्टलाइन सिलिकॉन पोली सिलिकॉन क्रिस्टलाइन और तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है एमॉरफस क्या होता है एमॉर्फस ए एम ओ आर पी एच ओ यूएस ठीक है तो इस तरीके से हमारा कुल मिलाकर तीन जो होता है वो सोलर सेल होता है देखिए बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ नॉइज आ रहा होगा क्योंकि हम जो है वो घर में है जब से हमको डेंगू हुआ था तो लगभग पंद्रह बीस दिन बेड रेस्ट पर रहे हैं इसी कारण थोड़ा सा आप लोग के लिए उतना काम भी नहीं कर पाए तो पीछे में हो सकता है आपको बैकग्राउंड का नॉइज आए क्योंकि घर का माहौल है तो कुछ ना कुछ आवाज़ आता जाता रहता है तो उसको इग्नोर करना है और अच्छे से जो सेशन है उसको अच्छे से आपको देखते रहना है और जो हम बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है ना कि बैकग्राउंड नॉइज पर ज़्यादा ध्यान देना है देखिए हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन है? नंबर टू मीजर बीम की ओर रेडिएशन कि जो हमारा बीम रेडिएशन होता है उसको मीजर करने के लिए कौन से मीटर का हम लोग उपयोग करते हैं पहला हमारा और या दीज। तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो पैरहीोमीटर कहते हैं ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा मतलब याद ही रखिएगा ये सब क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है द जिनित एंगल कम्पलीमेंट इजित एंगल कंप्लीमेंट क्या है सरफेस एजिमित एंगल या स्लोप या सोलर एल्टीट्यूड एंगल या सोलर एजल एंगल तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है तीसरा होता है सोलर एल्टीट्यूड एंगल एंगल क्या होता है सोलर एल्टीट्यूड इसको ये एंगलोलीमेंट किसका है तो एंगल का है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर अगर हम लोग चले तो कहता है कि इन द इज किसी मैक्सिममें यहाँ पर कुछ कॉलेक्टर का नाम दिया गया इसमें से कौन से कॉलेक्टर का जो इफिस होता है वो मैक्सिमम होता है फ्लैट प्लेट कॉलेक्टर लाइन फोक्सिंग या इवेक्युटेड ट्यूब या पैराबोलाइड डिस्क तो पैराबोलाइड डिस्क का जो होता है वो मैक्सिमम होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट है अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर तो कहता है कि सोलर सेल का क्या होता है तो याद रखिएगा हमेशा सोलर सेल का एफिसियंसी पंद्रह होता है ये सब क्वेश्चन डिक्टो पूछे जाते हैं द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज फॉर सैटेलाइट इज सैटेलाइट में जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है वो हमारा क्या यूज होता है सोलर सेल होता है या एडिसन सेल होता है या फ्यूल सेल होता है या क्राइगो क्राइजियनिक सेल होता है यह जो हमारा इसमें यूज होता है वो हमारा सोलर सेल यूज होता है क्योंकि हमारा जो सेटेलाइट जो होता है वो अंतरिक्ष में होता है और अंतरिक्ष में सिर्फ एक ही एनर्जी का स्रोत हमारा है वो हमारा सन है तो इसीलिए वहाँ पर सोलर सेल का उपयोग करके हम लोग दिन में बैटरी को चार्ज करते हैं मतलब एक जब सूर्य का प्रकाश रहता है तो हमारा बैटरी चार्ज होता है और जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है तो वो पूरा सेटेलाइट हमारा जो है वो सोलर सेल की मदद से चलता है इस तरीके से नेक्स्ट हमारा है द पैरानोमीटर मीजर पैरानोमीटर हमारा क्या मेजर करता है डायरेक्ट रेडिएशन को या डिफ्यूज रेडिएशन को या बोथ बोथ हमारा जो है डायरेक्ट और डिफ्यूज रेडिएशन तो जो पैरानोमीटर जो है ये हमारा बोथ मेजर करता है डायरेक्ट रेडिएशन को भी मेजर करता, करता है और डिफ्यूज रेडिएशन को भी मेजर करता है नेक्स्ट हमारा है द सिंगल सोलर सेल वोल्टेज इज अबाउट सिंगल सोलर सेल का वोल्टेज कितना होता है जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट होता है ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर है द सोलर हीटर फंक्शन इज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू सोलर एनर्जी को सोलर हीटर क्या करेगा तो वो हमारा हीट एनर्जी से रिलेटेड ही कुछ करेगा तो सोलर से हमारा ये थर्मल में आएगा तो इसका राइट आंसर नाइन का सी हो जाएगा और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की ओर तो क्या कहता है द सोलर हीटर लाइफ स्पेन इज अराउंड सोलर हीटर का लाइफ स्पेन क्या आता है चार से पाँच साल दो से छ साल एक से दो साल या फिर छः से सात साल तो इसका दो से छः साल होता है तो टेन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो क्या कहता है द रेडिएशन ऑफ सोलर इंक्लूडेड सोलर में जो हमारे रेडिएशन होता है उसमें क्या क्या होता है तो अल्ट्रा वायल्ट लाइट होता है विजुअल लाइट होता है रेडियो वेव होता है इन्फ्राइट वेव होता है एक्सरेज होता है और गामा रेज होता है मतलब ये सब होता है तो ऑल ऑफ दी एव हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की ओर तो क्या कहता है विच सेल इज यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है डायरेक्ट मतलब ड्राई सेल जो सूखा सेल होता है वो बदलता है या बैटरी बदलता है या फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है तो ये तो पता है कि सोलर एनर्जी को डायरेक्ट जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल करता है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसका स्क्रीन आप लोग जरूर ले लीजिएगा क्योंकि इसका पीडीएफ प्रोवाइड करना अगर पीडीएफ प्रोवाइड तो कर देंगे लेकिन वो पीडीएफ में आपका आंसर जो टिक आउट किया हुआ है वो आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं वो पावर पॉइंट के थ्रू कर रहे हैं तो पावर पॉइंट में ये मतलब पी में ये नहीं आता है जो जो भी पेन से लिखा हुआ रहता है वो नहीं आता है तो उसके लिए आप कहिएगा कि इसका पीडीएफ डी एफ हम आपको दे देंगे लेकिन आंसर उसमें नहीं रहेगा तो उससे बेटर ये है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख लीजिएगा मैक्सिमम आपको पंद्रह से बीस बहुत होगा तो तीस क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे बाकी सारे क्वेश्चन आपको आते ही होंगे तो इस काम को करिएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा और उसको भी लास्ट में टाइम में बस उसी को रिवाइज करना ज्यादा रिवाइज करना भी नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्टी के हम लोग चलते हैं क्या कहता है द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ रडिएशन करा इसमें से कौन सा रेडिएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है अल्फा रेडिएशन बीटा रेडिएशन या गामा रेडिएशन तो अल्फा रेडिएशन जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है ऑप्शन ए राइट आंसर है द एनर्जी विच स्टोर्ड एज ए लेटेंट हीट इज कॉल्ड एज जो एनर्जी हमारा लेटेंट हीट के रूप में यू, यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं या थर्मल एनर्जी कहते हैं तो लेटेंट हीट हीट से रिलेटेड जो भी आएगा वो हमारा थर्मल एनर्जी हो जाएगा तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट हमारा सोलर एनर्जी डायरेक्टली यूज फॉर सोलर में जो हमारा सोलर एनर्जी का जो हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं वो किस में करते हैं ड्राइंग में करते हैं वाटर हीटिंग में करते हैं और डिस्टिलेशन में भी करते हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट right आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सोलह की अगर बात किया जाए तो क्या कहता है द न्यूक्र रेडिएशन यूनिट इज न्यूक्लियर रेडिएशन का यूनिट क्या होता है रियोंगटन होता है क्या होता है रियोंगटन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है बाकी सब पासकल रेनकाइन रियनमर ये सब ने हमारा जो होता है वो रियोंगटन होता है न्यूक्लियर रेडिएशन का यूनिट ये याद रखिएगा क्योंकि ये कंप्लीटली जो हमारा सन में है वो वहाँ पर हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है तो उसके कारण हमारा जो है वो वहाँ पर से न्यूक्लियर रेडिएशन अगर न्यूक्लियर अगर कहीं पर जैसे अभी भी देख रहे हैं कि जो हमारा यूक्रेन रशिया का बाहर चल रहा है तो उसमें न्यूक्लियर वेपन का उपयोग करने के लिए नहीं करा क्यों नहीं करा क्योंकि उसका रेडिएशन अगर थोड़ा सा भी कहीं पर भी अगर कोई बम गिरता है तो उसका रेडिएशन बहुत दूर तक जाता है तो इसीलिए वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है तो जो हमारा इसका यूनिट होता है न्यूक्लियर रे, रेडिएशन का वो हमारा रियमटन होता है क्वेश्चन नंबर सत्रह हमारा कहता है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एच एच डब्ल्यू इज हमको लगता है ये क्वेश्चन में एच एल डब्ल्यू होना चाहिए क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हाई लेवल बेस्ट होता है लेकिन एच एच डब्ल्यू दिया है तो उसका भी इसमें आंसर हम लोग यही दे सकते हैं हाई लेवल बेस्ट क्योंकि और कुछ यहाँ पर मिल नहीं रहा है

बिना सरफेस में ऑब्जर्व बिना सरफेस में ऑब्जर्व और बिना स्कैटरिंग के पहुंचता है सरफेस पर बिना ऑब्जर्वशन के और बिना स्कैटरिंग के तो वो हमारा कौन सा होता है तो हमारा होता है सोलर रेडिएशन या इंफ्रा रेडिएशन या बीम रेडिएशन तो ये हमारा होता है बीम रेडिएशन जिसका कि ऑब्जर्वशन नहीं होता है और ना ही स्कैटरिंग होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का था कि फ्रॉम सन द सोलर एनर्जी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ सन से जो हमारा सोलर एनर्जी रेडिएट होता है वो किस फॉर्म में होता है किस वेव में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है या इन्फ्रा रेड वेव में होता है या ट्रांसवर्स वेव में होता है तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव में होता है कैसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है तो ये आप लोग जानते भी होंगे अगर जो इलेवन टके आगे वो लोग पढ़े होंगे तो आप अप्लाइड फिजिक्स में तो पढ़े ही हैं तो वहां पर भी आपको ये बताया गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है लेस आइसोलेशन ऑकर द सन इज लेस आइसोलेशन हमारा कब मिलता है जब हमारा सन कहां होता है तब एट नाइट में होता है या लो इन द या हाई इंडिया स्काई होता है या नन ऑफ दीज तो ये जब हमारा होता है लो इंडिया स्काय तब जो हमारा जो आइसोलेशन होता है वो कम होता है इन सोलर सेल फिली ब्लैक्स सोलर सेल में हमारा क्या यूज होता है तो सोलर सेल में हमारा सिलिकॉन यूज होता है और उसका अगर फॉर्मेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर लिक्विड सिलिकॉन का हम लोग उपयोग करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और इसी से रिलेटेड आपको भी आगे भी एक क्वेश्चन मिलेगा तो क्या कहता है द रेंज ऑफ सोलर सेल इफिशियंसीज सोलर सेल इफिशियंसी का रेंज क्या होता है सोलर सेल सोलर सेल जो है उसके का रेंज क्या आता है पांच से दस दस से पंद्रह या फिर हमारा पंद्रह से बीस या नन ऑफ दीज तो ये हमारा दस से पंद्रह होता है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा तेज का हमारा राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी से परसेंट होता है द एयरक्राफ्ट इन एयरक्राफ्ट फॉलोइंग बैटरी यूज। में कौन सा बैटरी यूज होता है अल्कलाइन बैटरी या एल्यूमिनियम आयरन बैटरी या निकेल आयरन बैटरी तो ये हमारा यही होता है निकेल आयरन बैटरी तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में क्या कहता है कि द सन सन फिल इन रेडिएशन हमारा किस तरीके का रेडिएशन को इमिट करता है इन्फ्रा को करता है विजुअल को करता है या स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलट तो ये तीनों करता है इन्फ्रा सिग्नल इंफ्रा रेडिएशन भी होता है विजुअल भी होता है और अल्ट्रा वायलट भी होता है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आपको खुद लग रहा होगा मजा भी आ रहा होगा आप लोग को सेशन में तो सेशन में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और अपने दोस्तों को इस चैनल से जरूर जोड़िएगा अपने जूनियर को इससे जोड़िएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके आने वाले समय में जिस तरीके से आप लोग को मिल रहा है तो ये आपका काम है ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस पर जो है वो वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर जोड़े अपने जूनियर को जरूर जोड़े नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में तो ये क्या कहता है विजुअल रेडिएशन गिव्स विजुअल रेडिएशन हमारे हमको क्या देता है लाइट एनर्जी देता है हीट एनर्जी देता है या बोथ देता है लाइट और हीट दोनों देता है तो विजुअल रेडिएशन जो हमारा है वो हमारा क्या देता है तो लाइट एनर्जी देता है क्या देता है विजुअल रेडिएशन हमको तो विजुअल रेडिएशन हमको लाइट एनर्जी देता है वहीं पर अगर इंफ्रा रेडिएशन की बात की जाए तो ये हमको हीट एनर्जी देता है तो विजुअल हमारा लाइट एनर्जी देता है और इंफ्रा हमारा हीट एनर्जी देता है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की ओर चलते हैं तो क्या कहता है कि द इन्फ्रारेड रेडिएशन विजुअल रेडिएशन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलट रेडिएशन आर कलेक्टिवली नोन एज कि इंफ्रा रेड रेडिएशन विजुअल रेडिएशन और जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है इसको हम लोग कलेक्टिवली कलेक्टिवली जो एक साथ मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं लाइट एनर्जी हीट एनर्जी या सोलर एनर्जी तो ये हमारा सोलर एनर्जी होता है क्या होता है सोलर एनर्जी होता है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की ओर तो ये कहता है कि हाउ मेनी बेज वी कैन हार्नेस सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी को हम लोग कितना तरीके से हार्नेस कर सकते हैं तो इसका दो तरीका होता है टू बेज कौन कौन होता है एक हमारा डायरेक्ट बेज होता है एक हमारा इनडायरेक्ट बेज होता है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टीन की ओर चले तो हमारा क्या कहता है तीस नंबर क्वेश्चन कि प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू प्लांट जो हमारा होता है वो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है तो प्लांट हमारा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कैसे करता है क्योंकि प्लांट अपना खाना बनाता है फोटोसेंथेसिस प्रोसेस से जिसमें कि वो सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करता है खाना को बनाने में तो जो खाना हमारा बनता है वो हमारा केमिकल एनर्जी होता है तो इसीलिए हमारा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हमारा प्लांट जो है वो कन्वर्ट करता है अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी की ओर तो क्या कहता है इन सोलर कॉन्स्टेंट ऑल्सो कॉल्ड है सोलर कॉन्स्टेंट को हम लोग और क्या कहते हैं तो सोलर इंटेंसिटी कहते हैं सोलर कहते हैं या दोनों कहते हैं तो इसका जो हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं सोलर इंटेंसिटी क्या कहते हैं सोलर इंटेंसिटी सोलर कॉन्स्टेंट को हम लोग और क्या कहते है? हैं सोलर इंटेंसिटी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू कहता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ रीनियबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिनिएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है जिसको कि हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं तो पुनः हमको प्राप्त करने की बात कर रहा है यहाँ पर पेट्रोल पुनः प्राप्त तो नहीं होगा नेचुरल गैस पुनः प्राप्त तो नहीं होगा लेकिन बायोगैस को हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तो जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसको हम लोग रिन्यूएबल कहते हैं जिसको हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्टी टू और ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल जो है आप लोग जब आप लोग पढ़े होंगे क्या पावर प्लांट पढ़े होंगे तो वहां पर आपको बताया गया होगा नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री तो क्या कहता है द रीजन वेयर ऑल द लाइट फ्रॉम द सोर्स इज ब्लॉक्ड इज कॉल्ड करा कि वैसा रीजन जहां पर कि सभी लाइट जो हमारा होता है सोर्स का जो लाइट होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं तो उसको हम लोग उम्बरा कहते हैं क्या कहते हैं उम्ब्रा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर की अगर बात करें तो क्या कहता है द एसआई यूनिट ऑफ सोलर कांस्टेंट सोलर कांस्टेंट का हमारा एसआई SI यूनिट क्या होता है तो सोलर कांस्टेंट का हमारा एसआई SI यूनिट होता है डब्ल्यू एन में एम स्क्वायर तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इसको आप चाहें तो याद रखें नहीं चाहते हैं तो नहीं याद रखें क्या कहता है व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट वैल्यू सोलर कांस्टेंट का वैल्यू हमारा क्या होता है तो होता है वन पॉइंट फोर वन जीरो थ्री डब्लू अपन में एम स्क्वायर इसको याद रखना है अगर याद हुआ तो भी ठीक नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं ये दोनों को आपको याद रखना है तो रखिए नहीं याद रखना है नहीं रखिए क्योंकि इतना डीप में जाकर आपको नहीं पूछ सकता है द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेम्परेचर इज ऑफ द सन सरफेस टेम्परेचर जो हमारा होता है सन का उसका फॉर्मूला क्या होता है तो उसका फॉर्मूला होता है टी फोर इज टू आर अपन में आर स्क्वायर एस अपन में सिग्मा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन की ओर तो क्या कहता है वाट आर द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इसमें से कौन है तो पहचानिए विंड हमारा रिन्यूएबल है प्राप्त होगा सन हमारा रिन्यूएबल है प्राप्त होगा वाटर का फ्लोइंग हमारा रिन्यूएबल है ओशियन भी हमारा रिन्यूएबल है फॉसिल फ्यूल कोल पेट्रोलियम यह सब हमारा नॉन रिन्यूएबल है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं सोलर एनर्जी कैन बी लीड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर एनर्जी लीड सोलर एनर्जी जो हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है कैसे

कॉन्ट्रिक सोलर टेक्नोलॉजी डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट हाई टेंपरेचर जो हमारा होता है सोलर टेक्नोलॉजी में उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में तो ये जो हमारा डिवाइड होता है ओवरऑल वो हमारा थ्री पार्ट में होना चाहिए टू टू पार्ट वन या थ्री तो ये जो हमारा होता है ओवरऑल टू पार्ट्स में होता है कितने पार्ट में होता है टू पार्ट में तो हाई टेम्परेचर का जो कॉन्सेंट्रिक सोलर टेक्नोलॉजी होता है वो डिवाइड होता है टू पार्ट में अब कहिएगा कि कौन कौन सा पार्ट है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं तो पहला हमारा होता है सेंट्रल टावर सेंट्रल टावर कलेक्टर सेंट्रल टावर कलेक्टर और दूसरा जो हमारा होता है इसी में जो हमारा होता है दूसरा वो हमारा होता है कलेक्टर तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्टी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन की ओर तो क्या करता है किसमें से एक को, को आउट करना है कोल पेट्रोलियम ऑयल बायोगैस कोल भी हमारा नॉन रिन्यूएबल पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल वाइल नॉन रिन्यूएबल लेकिन बायोगैस हमारा रिन्यूएबल तो ऑप्शन डी ये हमारा आउट वन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हमारा कहता है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ सोलर कुकर सोलर कुकर का ड्रॉबैक क्या है डज नॉट वर्क एट नाइट रात में ये काम नहीं करता है तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है सोलर कुकर टेक मोर टाइम टू कुक द फूड भोजन बनाने में ज़्यादा समय लेता है तो उतना ज़्यादा समय तो नहीं लेता है कि इसको हम लोग इसको डिसएडवांटेज के रूप में देखें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये हमारा नाइट में काम नहीं करता है हाउ मेनी लेयर डू सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ सोलर सेल में कुल मिलाकर कितना लेयर होता है तो सोलर तो सेल जो हमारा होता है इसमें कुल मिलाकर दो लेयर होता है कितने लेयर होते हैं दो लेयर तो एक हमारा होता है सिलिकॉन ले सिलिकॉन बोरॉन का एक हमारा होता है सिलिकॉन आर्सेनिक का तो चाहे तो इसको भी लिख लिए कि दो लेयर कौन कौन से होते हैं तो एक हमारा होता है सिलिकॉन बोरॉन सिलिकॉन बोरॉन का और एक हमारा जो होता है वो हमारा होता है सिलिकॉन आर्सेनिक का सिलिकॉन आर्सेनिक तो इसको चाहे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर की ओर तो क्या करता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोलर सेल सोलर सेल का एडवांटेज क्या है तो नो no पॉल्यूशन किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं करता है मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लो मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है इसका चार्ज मेंटेनेंस इज वेरी हाई बहुत हाई नहीं ये तो नहीं होता है मेंटेनेंस कम होता है और नो no पॉल्यूशन तो ऑप्शन डी इसका राइट right आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव हमारा क्या कहता है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग सोलर सेल सोलर सेल का यूज जो सोलर सेल को हम लोग यूज करते हैं इसका मेनली ड्रॉबैक क्या है तो कहता है वेरी एक्सपेंसिव बहुत ही महंगा होता है दूसरा हमारा कहता है एफिशियंसी इज लो एफिशियंसी हमारा लो होता है वाटर वायर विच इज यूज फॉर कनेक्शन इज मेड अप ऑफ सिल्वर मटेरियल वायर जो हम लोग यूज करते हैं कनेक्शन के लिए वो हमेशा सिल्वर मटेरियल का होता है तो ओवरऑल इसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है तो ये तो सारे के सारे हमारे इसके ड्रॉबैक हैं इफिशियंसी कम है वेरी एक्सपेंसिव बहुत ही महंगा होता है सोलर सेल तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फोर्टी फाइव का डी होगा फोर्टी सिक्स में हम लोग चलते हैं तो क्या कहता है कि वाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी का इंपॉर्टेंस क्या है तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है बहुत अच्छा बात है इन्वॉयरमेंट फ्रेंडली तो होता है किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन ही नहीं करता है सेव योर मनी मनी को बचाता है लो मेंटेनेंस एंड डिजर्व अप्लीकेशन बहुत ही कम मेंटेनेंस इसकी जरूरत होती है तो ये सब के सब हमारा होता है इसका एडवांटेज में आता है इनिशियल कॉस्ट इसका ज्यादा होता है लेकिन रनिंग कॉस्ट जो होता है हमारा कम होता है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन का अलग अलग मेथड क्या है दो मेथड है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों मेथड है तो ऑप्शन फोर्टी सेवन का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट की ओर अगर हम चले तो क्या करता है कि द डायरेक्ट मेथड ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट मेथड जो हमारा होता है सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन कोस कौन में क्लासीफाइड करते हैं कितने में सोलर थर्मल में या सोलर फोटो में या सोलर थर्मल और सोलर फोटो वोल्टे बोथ तो ये हमारा सोलर थर्मल और सोलर फोटो दोनों में होता है हमारा डायरेक्ट मेथड फोर्टी नाइन हमारा क्या कहता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स कम अंडर दी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन कह रहा है कि इसमें से कौन सा हमारा इनडायरेक्ट मेथड है सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने का तो वाटर पावर विंड वेव एनर्जी या फिर मेराइन करेंट ओ टी सी या ऑप्शन तो इसका लगता है उल्टा टाइप हो गया है क्योंकि कह रहा है इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्टली हम लोग इसमें उपयोग नहीं करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली हम इसमें उपयोग करते हैं तो बायोमास आई थिंक होना चाहिए हो सकता है बायोमास या बायोमास हो सकता है मेराइन करंट और ओटेसी नहीं ये ऑप्शन ही नहीं है इसमें जो है इसका ऑप्शन गलत टाइप हो गया है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी की ओर जो कि हमारा हाफ सेंचुरी लगने वाला है देखिए क्वेश्चन हम खुद टाइप नहीं किए थे इसको हम लोग टाइप करवाते हैं तो टाइपिंग करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है उल्टा पुलटा ऑप्शन इधर उधर हो जाता है कभी या क्वेश्चन ही कभी बार देखिएगा छूट जाता है आधा क्वेश्चन टाइप हुआ आधा छूट गया तो वो इरर होता है थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ओर चलते हैं तो हमारा क्या कहता है द एफिशिएंसी अचीव्ड फ्रॉम सोलर थर्मल एनर्जी सोलर थर्मल एनर्जी के द्वारा जो हमारा एफिशिएंसी अचीव्ड होता है वो हमारा कितना होता है तो वो हमारा बीस से पैंतालीस परसेंट होता है दस से चालीस परसेंट होता है या पंद्रह से तीस परसेंट होता है तो ये हमारा बीस से चालीस परसेंट होता है जितना भी इफिशियंसी वाला सवाल है उसको आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा एक जगह लिखने से क्या होगा कि आपको याद करने में सुविधा होगा और आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं थोड़ा पानी उनी पी लेते हैं तो आप लोग बताइएगा कि कैसा रहा आज का सेशन और भी आगे हम लोग चलते हैं पचास क्वेश्चन और अभी बाकी है उसको भी हम लोग देख लेंगे उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे अच्छा अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन की ओर क्वेश्चन नंबर हमारा जो फिफ्टी वन है वो हमारा क्या कहता है द मीडियम टेम्परेचर इज इन सोलर टेक्नोलॉजी मीडियम टेम्परेचर जो हम लोग कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं वो डिवाइड होता है कितने पार्ट में तो वो जो हमारा डिवाइड होता है वो दो पार्ट में होता है कितने पार्ट में होता है दो पार्ट में कौन कौन होता है तो पहला हमारा होता है पाराबोलिक थ्रू कलेक्टर जिसको कि हम लोग पी कहते हैं तो पहला हमारा होता है पी और दूसरा हमारा होता है फ्रेशनल क्या होता है फ्रेशनल एफ आर ई -E एस एन ई -E एल फ्रेशनल कलेक्टर एक हमारा होता है पी टी सी कॉलेक्टर तो ये याद रखिएगा कि दो पार्ट में हमारा होता है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 टू की ओर तो क्या कहता है द थीन बॉटम लेयर ऑफ सेमी कंडक्टर इन सोलर सेल सोलर सेल में जो हमारा थीन बॉटम लेयर होता है सेमी कंडक्टर का उसको हम लोग क्या कहते हैं वो किस नाम से जाना जाता है तो वो हमारा पी टाइप से जाना जाता है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right आंसर है अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री की ओर फिफ्टी थ्री नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इधर कॉन्सनट्रेटिंग सोलर टेक्नोलॉजी डिवाइडेड टू हाउ मेनी पार्ट कॉन्सनट्रेटिंग सोलर टेक्नोलॉजी जो होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है तो ये हमारा कुल cool मिलाकर तीन पार्ट में डिवाइड होता है कौन कौन से होते हैं तो पहला हमारा होता है लो टेम्परेचर मीडियम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर की ओर अगर हम लोग चलें तो क्या कहता है द लो टेम्परेचर इन द कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर टेक्नोलॉजी जो लो टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर टेक्नोलॉजी होता है उसको हम लोग डिवाइड कितने पार्ट में करते हैं तो ये जो हमारा होता है वो डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में कितने पार्ट में दो पार्ट में कौन कौन से होते हैं एक हमारा होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर और एक हमारा होता है सोलर चिमली फिफ्टी फोर मतलब हाउ क्या करा कराए लो टेम्परेचर इन द कॉन्सेंट्रेटिव सोलर टेक्नोलॉजी हाउ पार्ट तो ये जो हमारा होता है वो दो नहीं है हमारा कुल मिलाकर तीन पार्ट में होता है तभी तो हमारा चिमनी ये सब भी आता है इसमें तो इसका जो है हम लोग थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा और हम लोग चलते हैं इसको तो हमारा ये कितने पार्ट में होता है लो जो हमारा लो टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेटिव सोलर टेक्नोलॉजी है वो डिवाइड कितने पार्ट में होता है तो कुल मिलाकर तीन पार्ट में होता है कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको लिख लीजिए तो पहला हमारा होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर फ्लैट प्लेट कलेक्टर प्लेट कलेक्टर फ्लैट प्लेट कलेक्टर दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है सोलर चिमनी क्या होता है तो होता है सोलर चिमनी सोलर चिमनी और तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है सोलर पॉन्ड क्या होता है सोलर पॉन्ड अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव की ओर तो क्या कहता है कि द इफिशंसी अचीव्ड फ्रॉम फोटो वोटाइज इज ऑलमोस्ट फोटो के थ्रू जो हमारा इफिशियंसी अचीव होता है वो हमारा कितना होता है फोटो के द्वारा तो ये जो हमारा होता है वो 20 से 45 परसेंट होता है 20 से 40 परसेंट होता है या 19 से 24 परसेंट होता है तो ये क्या देखे थे वहाँ पर कि हमारा अप्रॉक्सिमेट पंद्रह परसेंट से लेकर 15 परसेंट उसमें देखे थे वहाँ पर लेकिन इस रेंज में यहाँ पर नहीं है तो इस रेंज में हमको इसको बनाने के लिए हम लोग इसको उन्नीस से चौबीस परसेंट बुला को हम लोग देख सकते हैं तो फिफ्टी का हमारा होगा सी फिफ्टी की बात करें तो सोटर सोलर फोटो वोल्टाइक इफिशियंसी बिटवीन सोलर फोटो वोल्टाज इफिशियंसी जो हमारा तो वो वैरी करता है किसके किसके बीच में तो ये जो हमारा वैरी करता है वो आठ से लेकर चालीस परसेंट के बीच में वैरी करता है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन की बात किया जाए तो क्या कहता है कि द टोटल इफिशियंसी ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट इज डिवाइडेड इंटू जो टोटल इफिशियंसी होता है सोलर पावर थर्मल प्लांट का उसको लोग डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में किस में डिवाइड होता है तो रिसीवर इफिशियंसी में जनरेटर इफिशियंसी में या दोनों में तो ये जो हमारा आता है वो दोनों में होता है तो ऑप्शन सी इसका राइट right आंसर हो जाएगा अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो क्या है कि, करा कि कौन कौन से लेयर हैं जो कि हमारा सोलर थर्मल इफिशियंसी के receiver को, receiver को हमारा इंप्रूव करता है। तो पहला हमारा है ऑब्जर्वर कोटेड ट्यूब दूसरा हमारा है एंटी रिफ्लेक्टर लेयर कोटेड ट्यूब तो ये दोनों होता है ऑब्जर्वर और एंटी रिफ्लेक्टिव दोनों हमारा होता है

तो क्या कहता है सिक्सटी नंबर क्वेश्चन वट इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी का मेनली जो हमारा है वो सोर्स क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर पावर प्लांट कोल या यान ऑफ दिज तो सोलर का मेनली जो है वो सूर्य के सूर्य के पास जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन हमारा क्या कहता है कि हाउ मेनी पार्ट डज सोलर एनर्जी है सोलर एनर्जी के कुल मिलाकर कितने पार्ट होते हैं तो इसका कुल मिलाकर तीन पार्ट होता है अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू की ओर तो क्या कहता है कि सेमीकंडक्टर इज द पार्ट ऑफ सोलर सेल डेट हैव सेमीकंडक्टर जो कि पार्ट है सोलर सेल का उसके पास क्या होता है टॉप लेयर बॉटम लेयर या मिडिल लेयर तो ये हमारा तीनों होता है टॉप लेयर बॉटम लेयर मिडम लेयर तीनों होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री की बात की जाए तो क्या कहता है तो सोलर रेडिएशन रेंज इन द विजुअल रेंज इज अबाउट सोलर रेडिएशन जो हमारा होता है विजुअल रेंज का उसका रेंज क्या होता है सोलर रेडिएशन का तो ये हमारा जो होता है वो चालीस से इकतालीस होता है या तैंतीस से पैंतीस होता है या बयालीस से तैंतालीस होता है तो ये बयालीस से तैंतालीस होता है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर की बात किया जाए तो क्या कहता है कि द सोलर रेडिएशन रेज इन इंफ्रा रेड इज अबाउट सोलर रेडिएशन जो हमारा होता है इंफ्रा रेड में याद रखिएगा अलग अलग वर्ड यूज़ हो रहा है इन्फ्रा रेड में जो हमारा यूज होता है वो हमारा कितना होता है तो वो हमारा फिफ्टी टू से लेकर फिफ्टी तक होता है लेकिन ऑप्शन में डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो फिफ्टी से लेकर फिफ्टी हमारा एक आंसर हो सकता है तो ऑप्शन ए इसका राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर को देखा जाए तो क्या कहता है कि रेडिएशन ऑफ अल्ट्राइलेट अल्ट्रा वायलेट का जो हमारा आता है वो कितना होता है तो ये हमारा तीन से चार परसेंट होता है चार से पांच परसेंट होता है तीन से पांच परसेंट होता है जीरो से तीन परसेंट होता है तो ये हमारा तीन से पांच परसेंट होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स की बात किया जाए तो क्या कहता है हाउ मेरी टाइप ऑफ सोलर सेल आर देयर बेस्ड ऑन क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर कुल cool मिलाकर कितने सोलर सेल होते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर जो हमारा सोलर सेल की संख्या होती है वो हमारी तीन होती है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन की बात की जाए तो क्या कहता है कि व्हाट आर द पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी का पार्ट क्या क्या है विजुअल इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट ये तो पता है ये तीनों होता है हमारा नेक्स्ट सिक्सटी एस्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट आर द करस्ट्रैक्टिस ऑफ सोलर सेल सोलर सेल का करेस्ट्रैक्टिस क्या है ओपन सर्किट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट करेंट फिल फैक्टर पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी ती ये तीनों हमारा होता है किसका सोलर सेल का जो हमारा है वो करेंस्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन की बात किया जाए तो कहता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज रिन्यूएबल एनर्जी मोस्ट कॉमनली यूज रिन्यूएबल एनर्जी हमारा क्या है जो ज़्यादा भरोसेमंद हमारा जो एनर्जी है और साथ के साथ जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है वो हमारा कौन सा है मोस्ट कॉमनली जो हमारा है वो हमारा सोलर एनर्जी है जो कि हमको सबसे ज़्यादा आउटपुट देता है ओवरऑल में मानिए तो हमारा जो ये भरोसेमंद भी है और मैक्सिमम

पोली सिलिकॉन सेल का जो हमारा इफिशेंसी होता है वो क्या होता है चौदह से सत्रह परसेंट बारह से सत्रह परसेंट या तेरह से पंद्रह परसेंट तो तेरह से पंद्रह परसेंट होता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री की बात करें तो क्या कहता है कि द सेमी कंडक्टर इज द पार्ट ऑफ सोलर सेल डेट है सेमी कंडक्टर जो कि पार्ट है सोलर सेल का उसके पास क्या होता है कितने लेयर होते हैं वन लेयर टू लेयर या फिर थ्री लेयर तो ये अभी पीछे भी देखे थे तो इसमें हमारा कुल मिलाकर तीन लेयर होता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर की बात की जाए तो क्या कहता है द टाइप ऑफ सोलर सेल बेस्ड ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के आधार पर हमारा सोलर सेल का टाइप कितना होता है तो ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात के देखा जाए तो वहां पर हमारा कुल cool मिलाकर जो होता है वो सिंगल क्रिस्टल भी होता है पोली क्रिस्टल भी होता है और एमर्फस भी होता है ये पीछे भी हम लोग देखे थे तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव को देखते हैं तो क्या कहता है द टॉप लेयर ऑफ सेमी इन द सोलर सेल इज ऑल्सो कॉल्डेड टॉप लेयर को हम लोग क्या कहते हैं तो टॉप लेयर जो हमारा होता है सेवेंटी फाइव का ये जो हमारा होता है पी टाइप होता है एन टाइप होता है पी एन पी टाइप होता है तो ये हमारा होता है एन टाइप क्या होता है एन टाइप तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स की बात की जाए तो क्या कहता है द तो टॉप तो लेयर ऑफ सेमी कंडक्टर इन द सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ जो टॉप लेयर होता है सेमी कंडक्टर सेल का उसमें क्या होता है तो उसमें हमारा सिलिकॉन और फॉस्फोरस दोनों होता है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा और यहाँ पर ऑल के जगह पर नन कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेवेंटी सेवन है वो क्या कहता है द थिन बॉटम लेयर ऑफ सेमी कंडक्टर इन सोलर सेल थिन बॉटम लेयर जो होता है सेमी कंडक्टर में वो हमारा क्या होता है तो जो थिन लेयर हमारा होता है सेमी कंडक्टर में वो हमारा होता है सिलिकॉन और बोरोन का यहाँ पर भी इसका आंसर सी होगा और इसको आपको नन करना होगा क्योंकि आप खुद ही देखिए कि ये ऑप्शन कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन है नहीं क्वेश्चन नंबर हमारा सेवेंटी एट की बात करें तो क्या होगा जो सोलर कुकर यूटिलाइज सोलर कुकर हमारा यूटिलाइज करता है क्या इन्फ्रा रेड टू कुक फूड या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज का या फिर गामा रेज का उपयोग करता है तो ये हमारा इन्फ्रा रेड का उपयोग करता है सोलर कुकर फूड को बनाने के लिए भोजन को पकाने के लिए हमारा इंफ्रा रेड का उपयोग करता है ए कम्बिनेशन ऑफ सोलर पैनल कनेक्टेड टुगेदर ई नोन एज सोलर पैनल के जो कम्बिनेशन को हम लोग एक साथ जो लगाए रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं तो उसको हम लोग सोलर एरे कहते हैं क्या कहते हैं सोलर एरे तो ये हमारा इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी की ओर एटी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं तो कहता है कि वाट आर द रिनिएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यबल एनर्जी जो एनर्जी का सोर्स है वो हमारा कौन सा है तो रीन्यबल मतलब भरोसेमंद दोबारा हमको प्राप्त हो सकता है तो विंड सन एनर्जी फ्रॉम फ्लोटिंग वाटर और ओशियन ये दोनों हमारा है लेकिन फॉसिल फ्यूल कोल पेट्रोलियम ये हमारा नॉन रिन्यूएबल है तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा अब बात कर लेते हैं कहता है कि हाउ मेनी कम्पोनेंट सोलर एनर्जी है सोलर एनर्जी के पास कुल मिलाकर कितना कंपोनेंट होता है तो सोलर एनर्जी के पास हमारा दो कंपोनेंट होता है पहला तो हीट और दूसरा लाइट तो ऑप्शन इसका जो होगा वो बी होगा सही तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख लीजिए कि एक हमारा होगा हीट और दूसरा हमारा होगा लाइट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी टू की वाट आर द रीएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रीनिएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें से हमारा कौन सा है तो हाइड्रोजन है बायोमास है जियोथर्मल है ओसीजन है सोलर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये सब हमारा जो है वो रेनिएबल है तो पुनः प्राप्त हो सकता है तो एट्टी का हमारा हो गया डी एटी थ्री की बात करें तो कह रहा है कि चूज ऑड वन ऑड वन में ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसमें हमारा क्या होगा पहले देखिए नहीं क्या है बिन्ड एनर्जी ये फॉसिल फ्यूल है हाइड्रोजन है और बायोमास है तो बिल्ड एनर्जी हाइड्रोजन और बायोमास ये सब तो जो हमारा है वो हमारा रिन्यूएबल है लेकिन फॉसिल फ्यूल हमारा जो है वो नॉन रिन्यूएबल है तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट right आंसर होगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर विच मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक सोलर कुकर सोलर कुकर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का हमको उपयोग करना होता है तो सोलर सीट होता है यूज वुडन बॉक्स का होता है रिफ्लेक्टर का होता है ग्लास स्लैब का होता है ब्लैक पेंट का होता है तो ऑप्शन ए तो right. और बी दोनों तो ऑप्शन सी इज राइट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इमिटेड ये क्वेश्चन अधूरा है कंप्लीट ये क्वेश्चन है ही नहीं क्योंकि इसमें और आगे कुछ होना चाहिए था टाइप ही नहीं किया है कंप्लीट नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है द फर्स्ट जनरेशन ऑफ सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन जो हमारा था सोलर सेल का वो उसमें क्या क्या था वो क्या था तो उसका सबसे पहले एरिया ज्यादा था हाई क्वालिटी का था हाई क्वालिटी उसका था सिंगल जंक्शन डिवाइस था तो ये सब कुछ हमारा उसमें था तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन द एफिशियंसी ऑफ फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल का एफिशियंसी right क्या था तो फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल का एफिशिएंसी 15 से 20 परसेंट था क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 88 का 88 कहता है कि सोलर कांस्टेंट का वैल्यू क्या है तो वन थ्री डबल सिक्स डब्लू में एम स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 89। नाइन माइक्रोक्रिस्टल आइन सोलर सेल माइक्रो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल का जो हमारा एफिशियंसी है वो हमारा क्या होता है तो वो हमारा चौदह से सत्रह होता है एवरेज में लेकर चलिएगा कि पंद्रह तक में जो होगा वो मैक्सिमम जो है अगर नहीं याद रहे एफिशिएंसी तो अगर ऑप्शन में पंद्रह परसेंट के रेंज में आपको रहे तो उसको आप लोग कर दीजिएगा तो यहाँ देखिए चौदह से सत्रह हमारा पंद्रह परसेंट के ही आपस में है रेंज में तो ज़्यादा चांसेस है कि वो आपका सही होगा ये कंप्लीट तो प्रोबेबिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी नाइन्टी चांसेस है कि आपका वो सही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव इन पोली क्रिस्टलाइन सोलर सेल बीच मटेरियल यूज रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल के रूप में हमारा पोली जार क्रिस्टलाइन सोलर सेल में क्या जो होता है तो ये हमारा लिक्विड सिलिकॉन होता है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन की बात किया जाए तो क्या कहता है द डिफिशियंसी ऑफ पोली क्रिस्टलाइन सिल्कॉन सोलर सेल डिफिशियंसी हमारा क्या है पोली क्रिस्टलाइन सिल्कॉन सोलर सेल का तो पहला हमारा है लेस दैन माइक्रोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल तो हमारा ये जो होता है वो हमारा यही होता है लेस देन होता है मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है कि वाट आर द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल सोलर सेल के बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हमको उपयोग करना होता है तो पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल दोनों का हम लोग उपयोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 थ्री इफिशियंसी हमारा क्या होता है मोरफर्स सोलर सेल का सोलर सिलकॉन सेल का जो हमारा होता है सिलकॉन सोलर सेल का वो इफिशियंसी हमारा क्या होता है तो इसका एफिशियंसी हमारा होता है पाँच से सात ऑप्शन ए इसका राइट right आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर हु ऑब्जर्व द मटेरियल विच टर्न लाइट इंटू एनर्जी कौन सा मटेरियल है जो कि ऑब्जर्व करता है लाइट एनर्जी लाइट को एनर्जी में चेंज होने में जो टर्न लाइट इनटू एनर्जी एनर्जी को एनर्जी को लाइट में चेंज करने में तो ये हमारा जो था वो हमारा क्या था यहां पर ऑप्शन हमारा है एगस्ट माखोट या एडमंड एडमंड बेक्यूरेन या मियासाका तो ये जो हमारा होता है वो एडमंड एडमंड जो हमारा है बिक्योरेल ये जो हमारा होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाम ही इतना टेढ़ा है नाइन्टी फाइव है हु हैज सीन द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर रेडिएशन इंटू मैकेनिकल पावर करा कि इसमें से कौन से देखे थे सोलर रेडिएशन को मैकेनिकल पावर मतलब सोलर एनर्जी को मैकेनिकल पावर में सोलर रेडिएशन को मैकेनिकल पावर में तो ये जो हमारे थे वो हमारे थे अगोस्ट मॉच मॉच आउट मॉच आउट तो ये हमारा इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए नाइनटी सिक्स क्वेश्चन करता है कि सोलर वाटर हीटर का जो हमारा पीरियड होता है पे बैक पीरियड वो कितना होता है तो ये पीछे भी शायद मिला था आपको ये था हमारा कितना तो दो से छह साल था ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन सोलर एनर्जी को हम लोग डिवाइड करते हैं एक्टिव और पैसिव दोनों में ऑप्शन सी इसका होगा राइट आंसर एट की बात किया जाए तो नाइन एट है तो ऑप्शन तो सी इसका राइट होगा 99 की बात जाए, तो मेन कंपोनेंट ऑफ सोलर थर्मल पावर सिस्टम होता है तो ऑप्शन सी इसका भी राइट होगा और सबसे लास्ट, इस सेशन का, सबसे लास्ट और हमारा सेंचुरी वाला क्वेश्चन भीच मीटर इज यूज टू मेजर सोलर रेडिएशन सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए कौन से मीटर का हम लोग उपयोग करते हैं तो ये जो हमारा आता है वो पैरानो मीटर होता है ऑप्शन ए जो हमारा होता है वो इसका राइट आंसर था तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सेशन में जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से इंजॉय किए होंगे जो क्वेश्चन आपको नहीं पता था उस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीन लेकर रख लिए होंगे क्योंकि इसका हम लोग पी अगर प्रोवाइड भी करेंगे तो वहाँ पर आंसर आपको नहीं होगा तो इससे बेटर ये होगा कि आप या तो करिए एक जगह एक पेज में आप पूरा आंसर लिख लीजिए हम पी आपको प्रोवाइड कर देंगे लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एकदम अच्छे से हमको याद रहे ऑब्जेक्टिव तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है जो आपको नहीं पता चला कि ये क्वेश्चन हमको नहीं याद था उस क्वेश्चन का आप, आप स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिए उसका एक अलग से पी बना लीजिए और एग्जाम जब देने जाइएगा तो उसके सुबह में उसको एक से दो बार उसको पढ़ लेना है ऑब्जेक्टिव का आपका पूरा झंझट खत्म हो जाएगा हम कोशिश कर रहे हैं कि सोलर पावर टेक्नोलॉजी क्योंकि ये सबसे नया सब्जेक्ट है और इसका कंटेंट बहुत ही कम आपको मिलता है कहीं पर उतना बेटर वे में नहीं मिलता है तो हम कोशिश करवाएंगे अपने जो टीचर हैं ऋषि सर उनको हम कहे हैं देखिए वो क्या करते हैं हम उनको कहें कि आप एक रिवीजन क्लास को कंडक्ट करिए तीन चार लेक्चर का एक रिविज़न क्लास को बनाइए जिसको कि हम लोग यूट्यूब पर डाल देंगे आप लोग के लिए तो जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी बेनिफिट हो जाएगा और वैसे हमारे स्टूडेंट को तो अच्छे से रिसीजर पढ़ाए दें तो वो रिवाइज भी कर ही लिए होंगे लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वो चारों लेक्चर के थ्रू हमारे स्टूडेंट भी रिवाइज़ कर लें और जो नए स्टूडेंट हैं जो कहीं और पढ़ रहे थे और सिलेबस का बोझ को नहीं ढो पा रहे हैं तो उन लोग को भी मदद मिल सके उसी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं देखिए इंडस्ट्रियल ड्राइव का हम वीडियो अपलोड करते हैं और जो भी हमारा YouTube चैनल पर जो भी हमारा वीडियो जाता है बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही जो सबसे टफेस्ट टॉपिक होता है जिसका कि वीडियो मिलना YouTube पर मुश्किल होता है उन सारे टॉपिक का वीडियो हम लोग डालते हैं लेकिन स्थिति क्या बनता है कि उन सारे लेक्चर को आप लोग उतने सीरियसली वे में नहीं देखते हैं और आप लोग देखिएगा जो भी लेक्चर हम लोड किए हैं उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में होंगे लेकिन अभी आप उसको सीरियसली नहीं लेते हैं तो इसी वजह से हम YouTube पर थोड़ा कम ही एक्टिव रहते हैं क्योंकि देखते हैं कि आप लोग को उतना इंटरेस्ट ही नहीं है एस एस सी का हम लोग सीरीज चला रहे थे उसमें भी देखें उतना अच्छा खा, खासा आपका इंटरेस्ट नहीं था जो कि आपको बेनिफिट बेनिफिट पहुंचा सकता था क्योंकि जो भी क्वेश्चन करवा रहे थे आप ही के सेमेस्टर से अकॉर्डिंग था ए सी मशीन हम लोग करवा रहे थे तो आप ही का सिलेबस के अकॉर्डिंग था लेकिन फिर भी देखें वहाँ पर आप लोग उतना ध्यान नहीं दिए उतना उसको उस पर फोकस नहीं किए पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है शायद आप लोग पूरा इन्जॉय ही कर रहे हैं अपने लाइफ को याद रखिएगा अभी अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो आगे आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाला है क्योंकि कंपटीशन हर एक साल आपका बढ़ रहा है जिस फेज से आप गुजर रहे हैं उस फेज में कंपटीशन बढ़ रहा है और आप जो है वो उस कंपटीशन से उतना ही पीछे जा रहे हैं क्योंकि आप कॉलेज में रहते तो हैं हाँ, कॉलेज में रहते हैं या पटना में रहते हैं सिर्फ आने जाते जाए आते जाते रहते हैं कोचिंग गए घर आए खाना बनाए खाएँ थोड़ा मोड़ा इधर उधर किए बातचीत किए उसके बाद आराम से सो गए ये काम जब तक आप करिएगा तब तक आपको तरक्की कभी नहीं मिल सकता है अगर आप चाहते हैं कि सक्सेस हो तो एक प्रॉपर स्ट्रैटी बनाइए आप अपना कि क्या किस समय में हमको क्या करना है और कोशिश करिए कि अभी से ही आप लोग जई का प्रिपरेशन करें अभी से ही जो सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर में है वो हम बता ही देते हैं कि ये सब्जेक्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको थोड़ा अच्छा से कवर करिएगा तो उन सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव को लगाते रहना है जो भी आपको दिक्कत आता है उसको मेरे साथ शेयर करिए अब ऐसा नहीं कि पता चला कि हम रिविजन कर रहे हैं और क्वेश्चन कहीं और का गेट का क्वेश्चन उठाएं और भेज दें सर इसको बनाकर भेजिए तो हम आपका टेस्ट ले लेते हैं कि आप कितना जानते हैं ये नहीं करना है जिस लेवल का आपका क्वेश्चन पूछता है आ, हम लोग जो है आप लोग जो है वो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो हमारा लेवल एक अलग होता है गेट का लेवल एक अलग होता है ए का लेवल एक अलग होता है हम लोग जेई लेवल के हैं तो उस अनुसार हम लोग को पढ़ना चाहिए यह सब बात की बात है आप लोग ये पहले एग्जाम दीजिए फिर आपको हम एक दिन अच्छे से समझाते हैं कि आपको क्या करना है लेकिन आप लोग से यही हम लोग कहेंगे कि इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिए अपने सारे दोस्तों में ताकि हम मेहनत किए हैं इसको टाइप करवाए हैं खर्चा हुआ है तो इसका बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए आपको तो मिले ही साथ ही साथ आपके जितने भी दोस्त हैं आपके जूनियर हैं उन सभी को इस चैनल से, से जोड़िए क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर और एक जेन्यून कंटेंट मिलता है वो आपको खुद मिल दिख रहा होगा ऐसा नहीं कि, कि कोई फालतू फालतू अपडेट करके हम व्यू को बढ़ाने का चक्कर में रहते हैं कुछ भी आया उसको अपडेट करनी है यह सब काम हमारा नहीं है मेरे पास उतना समय भी नहीं है कि फालतू का वीडियो बनाकर हम लोग ये वीडियो बनाते रहे कि आज रिजल्ट आने वाला है उस दिन रिजल्ट आने वाला है ये सब के लिए मेरे पास समय नहीं है क्योंकि हम जो है वो एक जेन्यून कंटेंट बनाते हैं और एक ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिससे कि आपको बेनिफिट हो अगर आपका बेनिफिट जिस दिन से बंद हो जाएगा उस दिन हम यूट्यूब चैनल को बंद कर देंगे क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं रहेगा जब आप लोग खुद अपने में अच्छे से पढ़ सकते हैं या कहीं और से भी आप लोग पढ़ सकते हैं तो क्या जरूरत है मेरा हम अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे आप लोग के लिए तो ये हमारा कोशिश यही रहता है कि हम जो अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट सबको मिले और आप लोग को मिले जनरली इस चैनल को बनाने का एक ही मकसद हमारा था कि हम आप लोग को एक सही वे में एक सही तरीके से आपका मदद किया जाए क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है जिस वे में आपका देखिएगा बहुत सारे कोचिंग है पटना में सात हज़ार साढ़े सात हज़ार कितना है चार हज़ार छः हज़ार फी लेकर आपको पढ़ा रहा है लेकिन उतना फी लेने के बाद भी आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट नहीं करता मेरा सिलेबस थोड़ा सा इलेक्ट्रिक ड्राइव में इधर उधर हो गया इसका मेन रीजन ये था कि हमको डेंगू हो गया था जिसके कारण कि पंद्रह से बीस दिन हमको बेड रेस्ट पे रहना पड़ा जो कि बहुत ही कठिन समय मेरे लिए था हम कोशिश करते थे कि वीडियो बनाए कभी कभी बैठकर कोशिश भी किए का लेक्चर बनाने का लेकिन हिम्मत नहीं हो पाता था क्योंकि आपको पता है जब किसी को डेंगू होता है तो उसका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है इस वजह से नहीं तो हमारा सिलेबस जो था